गुरुजी अनिल मित्रा जी। हाँ, प्रोफेसर अनिल मित्रा जी ऑफ एस। नमस्कार, स्वागत है फिर से कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है और यहाँ ज्योतिष का एक कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह, और यहाँ पर पहुँचे हैं गुरुजी, प्रोफेसर अनिल मित्रा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वही हैं जो हमें कुरुक्षेत्र के ज्योतिष महाकुंभ में मिले थे और तब से हम उनके असानिध्य में हैं, उनसे अक्सर बात करते रहते हैं, और यहाँ पर जब वो पहुँचे तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए, उनका इंटरव्यू करने हम पहुँचे। स्वागत है सर आपका कंचन टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल फाउंडेशन आपका अत्यंत आभार प्रकट करती है और धन्यवाद। आप चंडीगढ़ आज पहुंचे, कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम और यहां आकर कैसा लगा? चंडीगढ़ में इससे पहले भी आया था और आज सुबह ही हम लोग यहां पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में की विशेषता यही है कि कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोफेसर रजनीश जी ने और बबीता अग्रवाल जी ने संचालित कर रहे हैं, और कार्यक्रम का उद्देश्य और इस इनकी संस्था से नक्षत्र 27 से इतने अधिक ज्योतिष प्रेमी ज्योतिषाचार्य विद्वान जुड़े हुए हैं कि आज यहाँ पर धर्मगुरु डॉक्टर हरि रावत जी, जी डी वशिष्ठ जी, लेखराज जी और भी अन्य बहुत सारे विशिष्ट विद्वान आए हैं। यहाँ मुझे सुनने का मौका मिला, आइडिया मिला, आगे आने वाले समय में ज्योतिष के क्षेत्र में और अधिक नए नए विचारों पर, नए नए आइडिया पे शोध करने का मुझे प्रोत्साहन भी मिला। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँगा, रजनीश सूद जी के अलावा, बबीता अग्रवाल जी के अलावा यहाँ पर दो और नाम हैं जो स्टेज पर भी देखे जा रहे हैं, बड़े बड़े आपके होर्डिंग्स लगे हैं, प्रोफेसर अनिल मित्रा हैं, शेफाली गर्ग जी हैं। आप सबका, आपकी जो संस्था है ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस, इसका किस तरह से योगदान है इस कार्यक्रम में? ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ये एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड और एक्रेडिटेड है। इसका मेन उद्देश्य, मेन विजन जो है वो वैदिक साइंस की 5000 साल पुरानी जो उसकी इम्पोर्टेंस थी, महत्व था, उसको जन जागरण अपनी यंग जनरेशन तक एक वैज्ञानिक रूप में पहुंचाना है। हमारा एक सूत्री स्लोगन है।